तालिबे इल्म भी हैं जो कि फायरिंग की जद में आकर जख्मी हुए हैं। मसला जब से कुछ देर पहले तक जारी था वो अब थम चुका है, लेकिन दहशतगर्द अब भी स्कूल के अंदर मौजूद हैं और इस वक्त जो स्कूल के बच्चे हैं उनको बतदरीज यहाँ से निकाला जा रहा है। फायरिंग स्टार्ट हो गई, हम वहाँ से भाग गए, अपने अपने क्लास में गए और यहाँ 9-10 की जो है कोई पार्टी वगैरह हो रही थी अंदर, तो क्लासों में बच्चे कम थे, ऊपर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के पेपर थे वो बैठे हुए थे, तो 6-7 बंदे थे, हमने देख लिया, वहाँ से भाग गए और वो एक एक क्लास में जा रहे थे और बच्चों को मार रहे थे। तो दूसरे ब्लॉक्स में से यहाँ पर बेड भी जो है इमरजेंसी में लाए जा रहे हैं, जबकि अब हम ताजा तरीन में आपको ये सूरत हाल बताती चलूं कि हम देख रहे हैं कि पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों की जो है इंतहाई गम के रंजो गम के साथ डेड बॉडीज ले जाना शुरू हो चुके हैं। यहाँ इन इस जो है इस वाकये में दो टीचर्स भी जो है वो शहीद हुए हैं, उनके अहले खाना भी यहाँ पर मौजूद है। अस्पताल की इमरजेंसी इस वक्त फुली जो है वो भरी हुई है, लोगों का जमा गफीर है, यहाँ पर डेड बॉडीज ले जाने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। हमने यहाँ पर खुद अंदर इमरजेंसी में डेड बॉडीज ले जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। वरसा की